हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों पूरी तरह से, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी न्यूमेरिकल की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। और आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला हर एक टॉपिक और कराया जाने वाला हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप उसे मन लगा करके समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो फॉर्मूले हैं उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रख करना है? सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आपको याद करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो सामने आपके एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा है न्यूमेरिकल? फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 g इज फायर्ड विथ, ठीक है, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 m/s। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल। यानी कि रिकॉयल करने में राइफल को हमें, मतलब जब हमने रिकॉयल किया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, कि रिकॉयल करते समय उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सारा सीन पढ़ा हुआ है इसका। आई होप आपको सारा कंसेप्ट याद होगा। अगर आपको मोमेंटम का कंसेप्ट नहीं याद है तो आप प्लीज़ पहले हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपको मोमेंटम का कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें रिकॉयल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम। यही होता है हमारा फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होता है और जो हमारा फाइनल मोमेंटम होता है उसको हम कंबाइन कर देते हैं, टोटल मोमेंटम जब हम निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेपरेट क्या करेंगे, एक एक करके सबका इंडिविजुअल मोमेंटम निकालेंगे, फिर उन इंडिविजुअल मोमेंटम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उन मोमेंटम्स को ऐड करके फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि मैंने एग्जैक्टली बोला क्या। अभी तो बात केवल ऐसे हो गई, शायद कम समझ में आया हो, लेकिन अभी आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल का। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है? m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसमें ये क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम होता है टोटल हमारा, और ये हमारा होता है फाइनल मोमेंटम। तो ये हमारा जो मोमेंटम है इसे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल निकालेंगे, यानी कि हमारा गन का अलग, फिर बुलेट का अलग, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर गन का अलग और पर्टिकुलर हमारा बुलेट का अलग, इस तरीके से निकाल कर कंबाइन करेंगे, और फिर इसी फॉर्मूले पे हम क्या कर देंगे, अपने जो भी हमने सॉल्व किया है रख देंगे। अब कहोगे सर यहाँ पे ही डायरेक्ट आप रख दीजिए, क्यों इतना तामझाम आप कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों, यहाँ भी हम रख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा, भी आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएंगी, लेकिन आपको अच्छे समझ में आया इसलिए हम थोड़ा सा भी लॉन्ग प्रोसेस करेंगे। जब आप कुछ चीज़ें सही से आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम पूरी तरह से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर शॉर्ट फॉर्म पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में करने से पहले अभी हम समझते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पे इसको अच्छे से कैसे करेंगे, क्योंकि बिना आप
छोटे छोटे स्टेप को समझे बिना, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको स्टेप्स हो सकता है ना समझ में आए, तो इसीलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इजिली वे में इसको समझेंगे। तो चलिए, आपको फॉर्मूला आई थिंक रिवाइज हो गया होगा, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम्स की बात कर लेते हैं आपके गन की, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हो चाहे आपका गन का, चाहे आपका हो बुलेट का, पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, इनिशियल मोमेंटम ही निकलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि आप इजिली अपने से समझ सकते हो, आप अगर गन को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया इस तरीके से गन को होल्ड किया, तो जब आपने गन को होल्ड किया है तो गन क्या है आपका, एक रेस्ट पोजीशन पे, ऐसा तो नहीं है कि गन चल रही है इधर उधर, आपने गन को इस तरीके से होल्ड किया, अब उसमें रखी बुलेट भी क्या है, होल्ड हुई है यानी रुकी हुई है, यानी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है यानी स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो गन के रेस्ट में होने से आपकी बुलेट भी रेस्ट में है। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो गन की वेलोसिटी है U1 वो भी क्या है, ज़ीरो है, और आपकी जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन पे हमारी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई आप कराओगे तो क्या आएगा आंसर, ज़ीरो ही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ गन हम अगर ले लें तो क्या होगा, एम वन यू वन होगा, ठीक है, एम वन यू वन होगा। अब एम वन हमारा कितना दिया गया है, 4 kg दिया है, साफ साफ देखिए राइफल का या गन का, तो द फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, तो यहाँ पे 4 kg है, यहाँ पे हमने 4 kg लिख दिया, ठीक है, एंड यू ज़ीरो। तो अब कुल मिला करके आंसर तो हमारा ज़ीरो आएगा, ठीक, क्या रहा है आंसर हमारा, ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसको ग्राम कर लीजिएगा, 50 g है, ठीक है, ये हो गया, तो जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चाहे हमारा मोमेंटम गन का हो चाहे मोमेंटम बुलेट का हो, वो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब इसी तरीके से अगर आप मोमेंटम ऑफ बुलेट यूज़ कर लो, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अगर आप बुलेट यूज़ कर लो तो क्या मिल जाएगा, एम टू यू टू, ठीक। तो यू टू भी हमारा ज़ीरो है, यहाँ पर देखिए पहली चीज़ क्या है, 50 g है, और यहाँ हमारा क्या है, kg में है। तो पहले ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो आपको पता होगा क्या होता है, 1 kg इज इक्वल 1000 g, और 1 g इज इक्वल 1/1000 kg, यही होता है, हाँ 1000 kg, ये होता है आपको बेसिक कैलकुलेशन। तो कन्वर्जन तो आता ही होगा, ग्राम से किलोग्राम और किलोग्राम को ग्राम में बदलना। तो जब आप 50 g को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 50 g को जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 50 g लिख देंगे इज इक्वल 50 / 1000, 10 से 10 कैंसिल, अब 2 0 है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑलरेडी है हमारे पास, एक अपने से हम ऐड करेंगे 0.0, तो 0.05 केजी आ गया, क्या आ गया, 0.05 केजी। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0.05 × 0, यानी हमारा इसका मोमेंटम भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम आप देख रहे हो, गन का हो चाहे बुलेट का हो, वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसको मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से निकाल के दिखाओ, बेसिक कैलकुलेशन से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खासकर तो इस चीज़ का जिनको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा जो मेन काम है, हमारा फाइनल मोमेंटम, उसको शुरू करते हैं, ठीक। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग फाइनल मोमेंटम की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में कुछ नहीं था, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था, और इस वजह से सारी की सारी कैलकुलेशन में हमको क्या मिला, कन्वर्ट 0 ही मिला। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट, किसकी, मोमेंटम ऑफ बुलेट को निकाल लेते हैं, मोमेंटम ऑफ गन। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, M1 और V1,
ठीक है, या M2 V2 हमने कंसीडर किया था वहाँ पर, तो आप वही कंसीडर कर लो जो भी आपकी इच्छा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसी को निकाल लेते हैं, मोमेंटम ऑफ, क्या निकालने का है, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो चलिए मोमेंटम ऑफ बुलेट की बात कर रहा है तो मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालते हैं। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट में क्या है, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आप देखोगे तो कितनी दी गई है बुलेट की वेलोसिटी, 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आएगा आपका 0.05 × 35, ठीक, 0.05 × 35। अब जब ये हो गया है तो इसको आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इजी करा कर देते हैं सिंपल सा। तो 35 × 5 कितना आएगा, 75 × 175, ठीक है, क्या आया, 175 आया। अब पॉइंट आपका यहाँ कितने नंबर के बाद है, दो नंबर के बाद है, तो सिंपल से यहाँ आ जाएगा 1.75, क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। और आई होप आपको मोमेंटम का यूनिट याद होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इजीली क्या निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम में जो हमारा ज़रूरी था बुलेट का मोमेंटम, वो हमने निकाल लिया। अब बात आती है इनिशियल रिकॉइल ऑफ द राइफल, यानी अब जब राइफल की बात करेंगे तो राइफल को जब हम रिकॉइल करते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीजी, ठीक है, या राइफल गन, जो भी आप समझ लीजिए। अब इसका मास कितना दिया गया है, इसका मास दिया गया है आपको 4 kg, क्या दिया गया है, 4 kg दिया गया है। तो 4 हमने लिख दिया इंटू, ठीक, अगर आप लिखना चाहो तो इसको कंप्लीट फार्मूला आप लिख सकते हो, पीबी इज इक्वल M1 V1 और M2 V2, ठीक है। तो M2 यानी कि हमारा मास क्या दिया गया है गन का, 4 kg, हमने 4 लिख दिया। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे इसको V2 ही लेकर के चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेकर के चलते हैं, V2 लेकर के चलते हैं। तो आपका यहाँ हो जाएगा 4 V2 kg meter per second। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग फाइनल मोमेंटम को निकाल लिया है। अब अलग अलग फाइनल मोमेंटम आ गया, अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इस पर्टिकुलर पूरी चीज को रख देंगे। तो सबसे पहले टोटल फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1.75 + 4 V2, ठीक, यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे V2 है, एक हमारा क्या आ जा रहा है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जा रहा है, एक वेरिएबल आ जा रहा है, तो ये जुड़ेगा तो है नहीं, ये कहानी हो गई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब चुपचाप हम क्या करेंगे, हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसमें इसको पुट कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है क्या है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, क्या है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था, पूरा पूरा जीरो था। फाइनल मोमेंटम क्या है, 1.75 + 4 V2, ठीक। अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 V2 इज इक्वल 1.75, ठीक। अब मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो V2 इज इक्वल, माइनस साइन भी हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, 1.75 / 4, ठीक है, -1.75 / 4। अब ये देखिए माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जब आप रिकॉइल करोगे बुलेट को या राइफल को, तो क्या हो जाएगा, बुलेट तो आगे की तरफ जाएगा लेकिन राइफल क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ आएगी। तो ये माइनस साइन या निगेटिव साइन आपको यही बता रहा है कि पीछे की तरफ वो क्या कर रहा है, आप पर बल लगा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्शन और रिएक्शन फोर्स पढ़ा, एक्शन और रिएक्शन पढ़ा है आपके न्यूटन्स के लॉ में, ठीक है, कि जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है, ठीक है, हम जब किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन मिलता है। तो बुलेट पर हमने क्या किया, एक्शन किया ताकि बुलेट आगे जा सके, तो बुलेट ने भी उसके रिटर्न में हम पर क्या किया, रिएक्शन लगाया, जिसकी वजह से हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, पढ़ा है हमने। तो ये निगेटिव साइन उसी को बता रहा है, ठीक। तो फटाफट इतना पहले आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है आपका। ठीक, चलिए अब आप इसको डिवाइड कराइए, क्या आएगा आंसर बताइएगा, बाकी मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख देता हूँ। जब आप 1.75 को 4 से डिवाइड कराओगे तो आपका आएगा 0.4375, और ये वेलोसिटी निकली है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉइल करने में जो वेलोसिटी आएगी राइफल को वो कितनी आएगी, 0.4375 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक कहानी आपको सारी समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो फटाफट प्यारे बच्चों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो फटाफट मैं हो जाता हूँ स्क्रीन से बाहर और आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चों आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों से मिस हो गई है, यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो इस माइनस साइन को आप लगा लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, ध्यान रखिएगा माइनस साइन आएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था लिखते सब। तो मैंने तो यहाँ पे कैलकुलेशन की और आंसर लाया, आप भी इसको काटने का ट्राई कीजिएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो अब आप ऐसा मत समझिए सर आपने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो मेरी बात अलग है, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेट किया है, मुझे पता है कि कैसे आया, लेकिन आप जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप जब डायरेक्ट कभी भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो आप इसका कैलकुलेशन एक बार ज़रूर करिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, रीचेक कीजिएगा। बाकी आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है, आई होप आपको होल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से। तो चलिए रफ करते हैं प्यारे बच्चों और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सिमिलर है, टू कॉपी इसी के जैसा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आपके सामने हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोन द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स एंड 1 मीटर सेकेंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका 100 ग्राम का, एक ऑब्जेक्ट है आपका कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। ये लोग चलते हैं, चलने के बाद इनका कोलिजन होता है, ठीक है, क्या होता है, चलने के बाद जब इनका कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जब ये अलग होते हैं, जब ये अलग होते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी 1.67 हो जाती है और सेकेंड वाले की हमको क्या करना है, निकालना है। आई बात समझ में, कि दो ऑब्जेक्ट चल रहे थे, कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जब ये चलते हैं तो ये वाला जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आपका 1.67 की वेलोसिटी से चलता है, तो बताइए दूसरा वाला किस वेलोसिटी से चलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, हम अभी भी वही काम करेंगे, सबकी इंडिविजुअल मोमेंटम निकालेंगे, फिर उसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कब, बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, तो क्या है फॉर्मूला, मास यहाँ हमको ग्राम में दिया गया है, मास किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। तो जब इसको हम क्या करेंगे,
केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 0.1। मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो 0.1 इंटू इसकी स्पीड कितनी दी गई है सर, 0 दी गई है सर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जब आप कराओगे, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा सर 0.2 मोमेंटम है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड, 0.2 kg meter per second। ठीक है, आप इसी तरीके से मोमेंटम ऑफ सेकेंड्स ऑब्जेक्ट मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन तो m2 हमारा कितना है 0.2, क्योंकि 200 ग्राम था, जब 200 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2। स्पीड कितनी है सर 1 है, तो कितना हो जाएगा 0.2 kg meter per second। तो यहाँ पे हमने बिफोर कोलिजन निकाल लिया, क्या कर लिया बिफोर कोलिजन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल मोमेंटम यानी 0.2 + 0.2 ऐड करने पर आएगा 0.4 kg meter per second। ठीक, आई होप यहाँ तक इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी हर जगह मैं केजी मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, बच्चों आप इसको सही कर लीजिएगा, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, आपका ये सॉरी, हाँ ठीक है केजी मीटर पर सेकंड ही है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं एक्सेलरेशन को ध्यान में रख करके बोल दिया। ठीक प्यारे बच्चों, इसके लिए बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए केजी मीटर पर सेकंड ही है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, सही था। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि टकराने से पहले आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, मास क्या था, मोमेंटम क्या था, हमने निकाल लिया क्योंकि हमें सारी चीज़ें गिवन थी, और फिर हमने अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में फॉर्मूले में रखने लायक इसको बनाने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर, ओके, चलिए फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे की कहानी करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, तो मैं दिमाग लगाता हूँ यहीं पर ही रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आफ्टर लिख दूंगा। ठीक, टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारा टोटल मोमेंटम आएगा, तो इसको रफ करते हैं। चलिए, तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 v1, तो सर हमारा m1 क्या है 0.1 है, v1 क्या है सर 1.67 है, क्या है 1.67 है। तो सर जब 1.67 का 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो आएगा सर 0.167, क्या आएगा 0.167 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसको कैसे किया सर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आज कल इसमें कैलकुलेशन दिखा देता हूँ क्या है 1.6। एक काम कर लो चुपचाप, देखो 0.1 है इंटू 1.67 है, पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो नीचे आ जाता है। ठीक है, उतने डिजिट वाला जीरो आ जाता है, तो देखो 10 इंटू 1.67 में तो 167 लिखेंगे, आएगा 100, मल्टीप्लाई कराओगे तो 167 ही आएगा, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा कि नहीं, इतना तो पता ही होगा कि पॉइंट हटाते तो पॉइंट को जितना नंबर होता है उतना जीरो नीचे आ जाता है। यहाँ 3 0 आ गया सर, अब जब 3 0 आ गया सर तो क्या करेंगे, 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे सर 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 नंबर ये ऑलरेडी हैं, तो इन 167 पॉइंट, और पॉइंट केवल अकेले नहीं होता, जीरो लिख दिया जाता है, इसीलिए 0.167। ठीक, आई बात समझ में, तो चलिए अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए कहीं,
ठीक, बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको सेकेंड ऑब्जेक्ट का ही क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अब जब सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो दी ही नहीं है। अब जब सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं दी गई तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको v कंसीडर कर लूँगा। तो m2 v2, ये हमारा 0.2 था और इसको मैंने v2 ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा 0.2 v2 के जी मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा प्यारे बच्चों, टोटल मोमेंटम आएगा सर आपका 0.167 प्लस 0.2 v2 के जी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ प्यारे बच्चों टोटल मोमेंटम हमारा आ गया। ठीक है, टोटल मोमेंटम वो था हमारा बिफोर कोलिजन, ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फटाफट ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट तुरंत। ठीक, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहां पर अब लॉ ऑफ जो हमारा कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसमें इस चीज को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो आगे बात करते हैं। तो आपका ये कितना आया था, ये आया था आपका 0.4 बिफोर कोलिजन, कितना आया था 0.4 आया था बिफोर कोलिजन। और ये कितना आया था, ये आया था आपका 0.167 प्लस 0.2 v2, इसको भेजेंगे इस तरफ। ठीक है, इसको भेजेंगे इस तरफ, इसको भेजेंगे इस तरफ। ठीक है, क्या करेंगे, एक को दूसरी तरफ, एक को इधर और एक को उधर भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो जब हम क्या करेंगे 0.4 को इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो ये आपका इस साइड आएगा, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ये देखिए 0.2 v2, या इसी को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.167। ठीक, जब 0.4 को क्या कराओगे, 0.4 को तुम कराओगे 0.167 से सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा, क्या आएगा 0.233, क्या आएगा 0.233, और किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि आपका बड़ा है और ये छोटा नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा नंबर वो उतना छोटा। तो 0.2 v2 इज इक्वल 0.233। अब बहुत से बच्चों के मन में ख्याल, सर कैसे आया, तो देखिए बच्चों बताते हैं क्या होगा, ये बड़ा नंबर है आपका ऊपर आएगा 0.4, अब इसके नीचे हो जाएगा 0.167, यानी पीछे हमको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और ये 0, फिर ये पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ गया 0.233। ठीक, फिर ये जाएगा नीचे, तो v2 इज इक्वल 0.233 डिवाइड बाई 0.2। ठीक, 0.233 से जब हम 0.2 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा हमारा क्या आएगा, 1.165, क्या आएगा 1.165।
5, ये जो कि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। ठीक, आई होप कहानी आपको इजीली समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फटाफट ले लीजिए प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, ओके, तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, आगे हम लोग और भी इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आए हों, न्यूमेरिकल्स अच्छे से पसंद आ रहे हों, वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो द रेज इंस्टीट्यूट की, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।